नमस्कार दोस्तों, चर्चा पूर्व फिल्म एड में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट फिल्म लापड़ के बारे में, जिसे उल्लू ऐप पे रिसेंटली रिलीज किया गया है। ये कॉमेडी ड्रामा जॉनर वाली शॉर्ट फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं तुषार त्यागी। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस फिल्म को और जानेंगे क्या है इस फिल्म की स्टोरी और क्या ये फिल्म आपके लिए देखने लायक है या नहीं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है रामभक्त गाँव के एक शरारती लड़के की, जिसकी शरारत गांव की दूर दूर तक सुनाई देती है। घर से लेकर स्कूल तक हर जगह इसकी शरारत का शोर गूंजता है, गली मोहल्ले हर तरफ। कभी भी इसकी शरारत कम नहीं होती, चाहे कोई भी डांट ले। तो देखना यह है, क्या ये बच्चा सुधरता है? सुधरता है तो आखिर कैसे सुधरता है? क्या इसकी शरारत कम होती है या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा उल्लू ऐप पे, जहाँ पे ये फिल्म अवेलेबल है। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये फिल्म ज्यादा लेंदी बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 9.5 मिनट की पूरी फिल्म है और इस 9.5 मिनट में आप अपने बचपन के सफर में जाने वाले हो। बात करें फिल्मी एस्पेक्ट्स की, तो स्क्रीन प्ले अच्छा है, कहीं भी ये फिल्म हमें बोर नहीं करती। सिनेमाटोग्राफी एकदम नेचुरल लगता है, ऐसा लगता है अपने ही गांव की कोई वीडियो फुटेज हमें दिखा रहा हो। डायलॉग्स डिसेंट है। की कास्टिंग की बात करें तो इस फिल्म के लीड रोल में है अरिहंत अंगार नायक, शालिनी सिंघल और परी छावड़ा। सभी की परफॉर्मेंस डिसेंट रहती है, सभी ने अपने किरदार को काफी अच्छे से निभाया, खास करके उस बच्चे का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आता है। तो ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक है एंड इसका क्लाइमैक्स भी डिसेंट है। इसे काफी सिंपल वे में प्रेजेंट किया गया है। मेरे ख्याल से ऐसे टॉपिक को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में प्रेजेंट करना चाहिए था, जिससे हम और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो सके। जैसे हमने लास्ट ईयर देखा था वो शॉर्ट फिल्म, हाँ, नटखट, जिसे वो टैप पे रिलीज किया गया था। विद्या बालन जी ने उस फिल्म में माँ का रोल प्ले किया था। उस शॉर्ट फिल्म में हर गार्जियन को अपने सोच के ऊपर सोचने को मजबूर कर दिया था कि आखिर उनके परवरिश में गलतियाँ कहाँ हो रही है, बच्चे आखिर कैसे बिगड़ रहे हैं और उन्हें किस तरीके से सुधारा जा सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण उस फिल्म ने हमें दिया था। कुछ वैसा ही या फिर कुछ उस लेवल का ये फिल्म बन सकती थी। ये तो थे मेरे विचार, पर शायद मेकर्स एक सिंपल वे में इस फिल्म को हमारे सामने प्रेजेंट करना चाहते हो। खैर जो भी हो, ये फिल्म अच्छा है, एंजॉयबल है। मैं इस फिल्म को रेट करता हूँ 5.9 out of 10 स्टार्स। पेंडागन की बात करें, टोटली फैमिली फ्रेंडली है। बहुत टाइम बाद उल्लू ऐप पे एक फैमिली फ्रेंडली मूवी रिलीज हुई है। कुछ टाइम के लिए ही सही, पर आप अपने बचपन के सफर में जरूर जाने वाले हो, तो इसे मिस मत करना। तो अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपका ओपिनियन क्या है हमारे साथ कमेंट में शेयर करें। नहीं देखा तो आप इसे देख सकते हैं उल्लू ऐप पे। बाकी वीडियो में कुछ पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें फिल्म देखना पसंद हो। और हाँ, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे मजे कंटेंट देखने के लिए।